वेलकम टू द व्लॉग। एक दफ़ा वो फिर खुश आमदीद कहते हैं अपने न्यू वीडियो में। तो बस ये अभी बस निकल रहे हैं, 9 बज रहे हैं और यूनिवर्सिटी के लिए जाना है। रास्ते में से मेरा एक दोस्त है ऋतिक, हम दो लोग इकट्ठे पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी में, वो भी इधर मेरे सबब में ही रहता है। तो बस उसको पिक करते हैं और सीधा यूनिवर्सिटी चलते हैं। आज आपको सारा दिखाते हैं जी, तो चलते हैं जी अपनी गाड़ी की तरफ। शहजादी की आवाज़ चेक करो, ठीक है जी। व्लॉग डालूंगा तो बस अभी चलते हैं सीधा सीधा और ऋतिक को उठाते हैं। ऋतिक इंडिया से है जी, और अभी बस उसको उठाते हैं और सीधा यूनिवर्सिटी चलते हैं। तो मिलते हैं ऋतिक के जनाब जी। सबर्ब्स होते हैं, सबर्ब्स में घर होते हैं, तो यहाँ से हम सबर्ब में से निकल रहे हैं। सबर्ब में से निकलेंगे तो हम सीधा जनाब जी सिटी की तरफ चले जाएंगे, डायरेक्ट मेन जिसे सीबीडी कहते हैं, जो मेलबर्न का हार्ट होता है मिड में। बिल्कुल बहुत ज़्यादा कभी कभार रश होता है सिटी में, तो अभी आपको दिखाते हैं साथ साथ। हम ऋतिक के घर के बिल्कुल बाहर आ चुके हैं और ऋतिक आ रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये ऋतिक आ रहा है और आप ये ऋतिक को उठाते हैं और हम चलते हैं। क्या हाल है ऋतिक, ठीक हो? बढ़िया बढ़िया भाई। आ जाओ भाई, आ जाओ। तो बस अब ऋतिक आ गया। और क्या हाल है? बस भाई बढ़िया बढ़िया, आप बताओ भाई। ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा चल रही है, ऋतिक आपको दिखाता है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जैम पैक हो चुकी है, एक आगे वो चल रही है, रोड वर्क चल रहा है। कौन ही बनाता है तो जी। अब हम बिल्कुल एग्जैक्ट सिटी में एंटर होने लगे हैं, सामने आपको बिल्डिंग वगैरह सारा कुछ नज़र आने लग गया होगा। ऋतिक क्या आप सही दिखा पा रहे हो सारा कुछ? बिल्कुल। तो बस ये अब एग्जैक्ट सिटी के अंदर हम एंटर होने लगे हैं और 5 मिनट बाद फिर आपको ट्रैफिक से पता लग जाएगा कि रश कितना है। वो जैसा मैं आपको दिखाया था कि हम अभी थोड़ा सा पहले थे, अब हम ब्रिज बिल्कुल क्रॉस कर रहे हैं। तो ब्रिज के ऊपर जी आपको 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लगा है, 7 स्पीड कैमराज लगे हुए हैं। ऊपर आप जैसे देख सकते हैं कि 2 फ्लैग्स लगे हुए हैं, एक ब्लैक रेड और बीच में सर्कल है येलो, ये है एब ओरिजिनल्स का और दूसरा है ऑस्ट्रेलियंस का। एबोरिजिनल्स वो थे जो कि 1700 से पहले यहाँ पे लोग रहते थे, जो कि ओरिजिनल ऑनर हैं इस लैंड के। उसके बाद बाकियों को तो मलका ने सजा दी थी, तो सारे इधर आ गए थे गोरे, तो फिर बाद में ये ऑस्ट्रेलिया में सारे गोरे रहने लगे, वरना पहले एबोरिजिनल्स रहते थे। ये लोग होते हैं, इनके बड़े बड़े ज़रा मुँह होते हैं, बड़ी बड़ी नाक होती है और बहुत मतलब ना बड़े बड़े लोग होते हैं। तो अभी ये हम जा रहे हैं एग्जैक्ट सिटी में, वो सामने अगर आपको ऋतिक दिखाए तो सारा वो हमारे सामने सी है, टोटल सी है यार। आज शिप पे नहीं खड़ा, डेली खड़ा होता है यहाँ पे। आज मैं वीडियो बना रहा था, कोई शिप भी नहीं है, तो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम दिखाएंगे। तो ये नीचे हमारे 11 रिवर है, मैक्स के जी अभी तक बोर्ड लगे हुए हैं। सो आस पास फुल सिटी है, वो DFO उस तरफ साउथ वेयर का, और सारी मतलब बिल्डिंग्स हैं, ऑफिसेज हैं। हमारी यूनिवर्सिटी यहाँ से तकरीबन कोई 5 किलोमीटर रह गई है। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी हम आपको बड़ी खूबसूरत सी टनल दिखाते हैं, बर्नली टनल बोलते हैं उसको, जो कि 3.3 किलोमीटर की टनल है और वो एग्जिट होती है बर्नली स्ट्रीट पे, और वहीं से बिल्कुल हमारी यूनिवर्सिटी आती है। और उसका आपको टूल देना पड़ता है। यहाँ पे क्या है कि अगर आपने कोई अपना टाइम बचाना है, रश से बचना है, सिटी में रश बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको टूल देना पड़ेगा। वो टूल होता है $6, $10, तो मतलब वो डेली का 10, मेरा तो $16 टूल लगता ही लगता है यूनिवर्सिटी जाते हुए। और वापस आते हुए ऋतिक गवाह है, 4 टूल पड़ते हैं। क्यों ऋतिक, ऐसे ही है? तो वो $52 के करीब पड़ जाता है टूल वापसी का मुझे। हाँ, जाती दफ़ा एक टनल आती है और वापसी, क्योंकि वापसी इस रोड से नहीं आती, ऊपर से होती है, तो हमें 4 टूल पड़ते हैं और उस वो हमारा टाइम सेव करती है। तो वापसी में हमें चार टूल पड़ते हैं और जाते हुए ये अब टनल आ गई है जी। ये टनल आप देखें, खूबसूरत सी, ये जी 3 किलोमीटर की टनल है। और रहते कि लाइट्स दिखाई यार टनल की, टनल जी जैसे ही ख़त्म होगी बर्नली स्ट्रीट आएगी, बर्नली स्ट्रीट से हम
राइट लेंगे तो हमारी स्विनबर्न यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में एंटर होंगे हम। और यार कमेंट्स में बताना, मैं इंशाल्लाह ना अच्छी अच्छी वीडियो डालता रहूँगा। मैं सोच रहा हूँ बिजी बहुत थे। ऋतिक गवाह है यार, इतनी असाइनमेंट्स हैं। ऋतिक बताओ, ठीक है असाइनमेंट बना बना के थके हैं, क्या करें भाई। अच्छा भाई मैं यहाँ पे पता क्या करता हूँ, ये सारी जो टनल है ना इसके ऊपर सारा यारा रिवर है, मतलब पूरा रिवर है इस टनल के ऊपर। तो ना ये सारी ऐसे ना स्लोप पे हैं, तो मैं यहाँ पे आके ना गाड़ी को न्यूट्रल कर देता हूँ और ब्रेक पे पॉन रख लेता हूँ, तो मतलब गाड़ी खुद ही चलती रहती है सारी पूरी टनल में, ऐसी होता है। It's a very tough test, I'm telling you now, it's very, very tough. How are you, sir? Bye-bye. तो भाई अभी हमारी क्लास खत्म हो चुकी है, हम क्लास से बाहर आए हैं। तो मेरे साथ एलवी है, एलवी जो है बांग्लादेश से है। ऋतिक, ऋतिक आपको पता है क्या हाल चाल है? ऋतिक आप ठीक हो? बढ़िया। ये इंडिया से हैं, यहाँ पे तो पूरा सारा सब कॉन्टिनेंट हो गया। और ये नेपाल से हमारे पास कृपाल। अभी तो क्लास अभी हो चुकी है ख़त्म, और क्लास ख़त्म करके अभी मैं जा रहा हूँ नीचे, और नीचे जाएंगे और पार्किंग में कार पिक करेंगे और कुछ खाएंगे और सीधा घर। का हमारा वो आगे है कार पार्किंग वाला एरिया, और अभी थोड़ा सा क्योंकि शाम हो गई है तो सारे मतलब चले गए हैं, सुबह तो भाई पार्किंग ही नहीं मिलती। ठीक है जी, और ये पार्किंग आपको पर डे जो है $10 पर डे, ठीक है। और अगर आप मतलब खड़ी करते हो गाड़ी 5-6 hours से ज़्यादा तो ये प्लेंटी और हो जाती है, लेकिन मुझे डेली की $10 की पार्किंग पड़ती है, $10 पर डे ही देना पड़ता है।